आज हमारे राजस्थान प्रभारी आदरणीय रंधावा साहब आए हुए हैं। आज कांग्रेस कमेटी की मीटिंग है, सारे राजस्थान के लीडर्स आए हुए हैं। हम अपना पक्ष कहने आए हैं, अपना आवेदन देवली उनियारा से देने आए हैं और अपना पक्ष आदरणीय जो हमारे प्रभारी जी उनके सामने मैंने रखा है, उन्हें सारा मैंने किस तरह से हम चुनाव लड़ेंगे, किस तरह से जीतेंगे वो सारे समीकरण उनको बताए हैं। मुझे भरोसा है, विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी मेरे पे विश्वास करके, भरोसा करके हमें टिकट देगी और हम आश्वस्त कर देना चाहते हैं। मैंने आश्वस्त किया आदरणीय प्रभारी जी को, अगर कांग्रेस पार्टी हमें टिकट देती है तो हम दोनों सीटों पर जीत दिलाकर कांग्रेस की झोली में डालेंगे। हमें पूरी तरह से पूरी 200% हमें उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी हमें इस बार मौका देगी। सर, ये मुस्लिम न्याय मंच के बैनर तले मुस्लिम समाज के हम झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र से सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता जयपुर कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में पहुंचे हैं। सर, हमारी एक ही मांग है, हिंदुस्तान का मुसलमान हो चाहे कहीं का भी मुसलमान हो, कांग्रेस पार्टी का वफादार वोटर रहा है हमेशा से, मीडिया को भी पता है इस बात का। अब हमारे वहाँ उपचुनाव है, हम आला कमान से यही मांग करने के लिए आए हैं कि हमारे विधानसभा क्षेत्र झुंझुनू में 70,000 मुसलमान हैं, 70,000 हमारा वोट बैंक है, बाई इलेक्शन है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कांग्रेस पार्टी का मुसलमान हमेशा वफादार रहा है। हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए संघर्ष नहीं कर रहे हैं, हमारे विधानसभा क्षेत्र में 30 बिरादरी है मुस्लिमों की, उसके 70,000 वोट हैं। हम आला कमान से यही बोलना चाहते हैं कि साहब आपको उस 30 बिरादरियों में से जो भी अच्छा लगे आप उसको टिकट दे और हम निश्चित तौर पे झुंझुनू विधानसभा का प्रत्याशी मुस्लिम कैंडिडेट नाच नाच कर झुंझुनू जयपुर विधानसभा में हम भेजेंगे। ये टिकट नहीं तो वोट नहीं है, क्या चीज है? सर ये मुस्लिम न्याय मंच के बैनर तले मुस्लिम महापंचायत झुंझुनू में 11 अक्टूबर को हुई थी और पूरे समाज ने ये तय किया है कि इस बार कांग्रेस पार्टी हमारी अनदेखी करती है तो हम सारे के सारे ये फैसला लेते हैं कि हम कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं देंगे। हमारा वोट 70,000 है झुंझुनू विधानसभा में, ये पूरा मुस्लिम महापंचायत में हुआ। फिर गए हमारे जो प्रभारी है चिरंजीव राव जी, वो हमारे झुंझुनू गए थे, पूर्व मंत्री नसीम अख्तर जी, ये सब हमारे वहाँ गए थे। फिर वहाँ मुस्लिम समाज ने एकदम खुले शब्दों में कहा था कि अगर झुंझुनू के विधानसभा के मुसलमानों को ये बाई इलेक्शन में टिकट दी जाती है तो हम कांग्रेस के वफादार थे, हैं और रहेंगे। अगर कांग्रेस पार्टी हमारी अनदेखी करती है, हमें बाई इलेक्शन में टिकट नहीं देती है तो हम पहले थे, हैं, बाद में नहीं रहेंगे।